मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह की सखियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों में समाज में बदलाव लाने की क्षमता है और ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने का भी काम कर रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने कुछ अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने राजीविका सखियों के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इसके साथ ही कहा कि राजीविका सखियों को स्कूटी लेने के लिए 2.5% की दर से ऋण मिलता है। अब सरकार उन्हें इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण देगी। इसी तहत सरकार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजीविका से जोड़ने के लिए आजीविका ऋण योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण महिला स्वयं सहायता समूहों को देने का काम करेगी। लाख महिलाओं को जुड़ना, गांव में बाहर निकलते नहीं थे, वहाँ महिलाएं बाहर निकले, एक ही गांव में 10-12 समूह बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि 12-12 समूह, 15 समूह बना गांव के अंदर, घर से बाहर आए, आपस में सुख दुख का साथी बने, उनका एक्सपोजर देखा आपने, अभी एक्सपोजर खुद करिए, बाहर निकली करते तब हमारा एक्सपोजर हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कितनी बहुत बड़ी क्रांति करते, जिससे कि समाज को बदलने में राजीविका की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है, मैंने महसूस किया है। क्योंकि गांव में कई समस्याएं भी होती है, समाज सुधार की बात होती है। मैं समझता हूँ कि सब कामों के लिए ये अपने आप को सोशल वर्कर भी मानती है, उसी रूप में हम इनको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो मैंने घोषणा की, इसीलिए घोषणा करी है, और ज़्यादा मोटिवेट इनके लोगों का हो। कोचिंग संचालकों को लेकर आज मीटिंग लेंगे, आज बड़ी मीटिंग है और लगातार जिस तरीके से सोसाइटी केसेस भी चिंता वैसे बना हुआ है कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं उचित समझा, एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, एक स्थिति क्यों बनी है। तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोग बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है। और मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे, खुद से, ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर रहे हैं। तो अच्छा, हमको बात करें तो मैं कह पाऊँगा कि क्या मैंने महसूस किया, क्या हमें करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। सर, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन में आपकी फोटो सामने रख के पूरी बकायदा आरती गई गई है। हाँ सर, SMS नर्सिंग एसोसिएशन, तो इसको सर आप किस तरह से देखते हैं, काफी पूछनी है तरीके से दी गई है सर। नहीं, मतलब कि मुझे आप जानकारी दे रही, मुझे पता नहीं है सर, वीडियो है मेरे पास नहीं। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, हम तो खाली प्रथम सेवक हैं, राजस्थान की जनता के प्रथम सेवक के रूप में हम काम करते हैं। कोई अति उत्साह में किसी संगठन ने किया है या कोई मांगे उनकी होगी वो पूरी करने के लिए कह रहे होंगे, या कोई मांगे पूरी हो गई हो तो धन्यवाद दे रहे हो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब धन्यवाद देने के कई तरीके होते हैं, एक तरीका उन्होंने अति उत्साह में उठा लिया होगा। मेरा मानना है, मैं तो अपने जीवन के अंदर जब शुरुआत की राजनीति में, बचपन से मैं एक प्रकार से सोशल वर्कर मानता हूँ अपना, आज ही मैं वही मानता हूँ, कल वही मानूंगा मैं अपना। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दी गई है आज, तो लगता है कि आपकी सरकार फिर से